सफलता लगी है। पुलिस ने चार लोगों के एक अंतरराज्य गिरोह को पकड़ा है जो एटीएम से पैसा निकालकर फ्रॉड करते थे। हमीरपुर जिले में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई, जिसका खुलासा एएसपी ने किया। एटीएम मशीन से छेड़छाड़ कर फर्जी भुगतान करने वाले अंतरराज्य गिरोह के चार सदस्य गिरफ्तार हुए, जिन्होंने यूपी नहीं अन्य राज्यों में फर्जीवाड़ा करके करोड़ों रुपए कमाए हैं। पुलिस को इनके पास से 20,000 रुपए, दो चोरी की बाइक व एटीएम बरामद हुआ है। मामला है हमीरपुर जिले के कुरार थाना क्षेत्र का, जहां अंतरराज्य गिरोह को बैंक एटीएम से फ्रॉड करने वाले चार साथी अपराधियों को कुरारा पुलिस व स्वाट टीम द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया। वहीं दो सातिर अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। अपराधियों के पास से 20,000 रुपए नगद, दो मोटरसाइकिल, 15 एटीएम कार्ड, 3 मोबाइल, 4 फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए हैं। सातिर अपराधी देश के दिल्ली, मुंबई, असम, गुजरात, गोवा, बेंगलुरु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के जिलों में जाकर एटीएम फ्रॉड करते थे। विकास पुरवार, हमीरपुर, समाचार 24। आज जनपद हमीरपुर की जो सर्विलांस टीम है, एसओजी टीम और थाना कुरारा के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें एक गैंग पकड़ा गया है जो कि एटीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ करता था पैसे ड्रॉ करते हुए, और इसी से ये लोग फर्जी तरीके से कॉल सेंटर्स पर कॉल करते थे कि हमारा पैसा नहीं निकला है और अपनी शिकायत दर्ज कराते थे, जिसमें उनकी शिकायत का संज्ञान लेते हुए बैंक के द्वारा पैसा रिफंड किया जाता था। कितने लोग पकड़े गए हैं? अभी इसमें हमारे द्वारा 4 लोग पकड़े गए हैं। उन्होंने अपनी पूछताछ पे बताया, अपना मोडस ऑपरेंडी बताया कि वो किस तरीके से काम करते थे, और जैसा कि अभी तक की पूछताछ में पता पड़ा है, ये हर तरीके की बैंक में इस तरीके का फ्रॉड करे हैं। HDFC में, IDFC, SBI, पब्लिक प्राइवेट सब तरीके की बैंक में काम करते थे, और सिर्फ ये जनपद हमीरपुर या इसके अगल बगल के जिलों में नहीं, ये दिल्ली, बैंगलोर, महाराष्ट्र, असम, बंगाल सब जगह तक जा जाके वहाँ की ATM मशीन से भी पैसे विड्रॉ करते। अभी तो ये 4 लोग हैं और भी हम इस पर काम कर रहे हैं, जितनों के नाम सामने आएंगे उन सब पे भी आपराधिक इतिहास, इनका भी आपराधिक इतिहास ढूंढा जा रहा है। इसमें एक जो व्यक्ति है कपूर निषाद, उसके खिलाफ 4 मुकदमे पहले से दर्ज हैं, और कमल सिंह के खिलाफ 1 मुकदमा है, और बाकी भी इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री हमारा अलग स्टेट से चेक करा। लगभग कितने सालों से ये इस तरह का फ्रॉड कर रहे थे? तैयारी तो इनकी बहुत पहले से थी, बट पिछले 3 साल से ज्यादा एक्टिव है। 3 साल में इन्होंने काफी इस तरीके के फ्रॉड किए हैं। अगर हम इनका इवैल्यूएशन करें तो ये करीबन, अगर पूरा गैंग अगर हम दें तो करोड़ों के इसमें ये अपना पैसा अभी तक मिल के अलग अलग जगहों से विड्रॉ कर चुके हैं। मैडम, किसके तहत कार्रवाई की गई?